नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। सिडनी डायलॉग में पीएम मोदी ने क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेकर चेताया, युवाओं को दी सलाह। वसीम रिजवी की किताब पर मचा हंगामा, ओवैसी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज, पैगंबर पर गलत टिप्पणी करने का आरोप। आधार की तर्ज पर जमीन का भी होगा यूआईडी नंबर, जमीन बेमाना का फर्जीवाड़ा रोकने की मजबूत व्यवस्था कर रही सरकार। देशमुख के खिलाफ जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रही महाराष्ट्र सरकार, सीबीआई ने दिया बयान। सीरम के सीईओ अदार पूनावाला ने महामारी पर काबू पाने में वैक्सीन लगवाने से झिझक रहे लोगों के लिए बताया खतरा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की बहू के बिगड़े बोल, तेजस्वी यादव को कह दिया लबरा। चिराग पासवान ने कसा तंज, बिहार में होती समुचित सुविधाएं तो दिल्ली क्यों चाहते सीएम। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने आरजेडी को दी सलाह, जिम्मेदारी निभाना सीख लीजिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले लग सकते इस्तीफों की झड़ी, कांग्रेस छोड़ सकते हैं कई नेता। नवजोत सिद्धू का चुनी पर फिर हमला, अब उठाया ड्रग्स का मुद्दा, कहा एसटीएफ की रिपोर्ट जारी हो। पंजाब सरकार का बड़ा कदम, टैक्स ना अदा करने पर बादलों की 31 इंटेलिग्रेट कोच परमिट तुरंत प्रभावित से रद्द। गुरनाम सिंह चढ़ूनी से वापस लिया फैसला, अब 25 को टीकरी बॉर्डर तक नहीं होगी पदयात्रा। एक्टर सूर्या के घर की सुरक्षा बढ़ी, नेता ने किया था हमला, करने वालों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान। सालों में जम्मू कश्मीर से पूरी तरह खत्म हो जाएगा आतंकवाद, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिया ये बयान। तृणमूल कांग्रेस की गोवा प्रभारी महुआ मोइत्रा ने कहा, गोवा चुनाव के लिए सीएम चेहरा तैयार करेगी टीएमसी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वाराणसी में देव दीपावली पर इस बार भी होगा लेजर शो, दीप जलाने के लिए 120 समितियों को दी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में धुंध से बढ़ी ठंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले वायु प्रदूषण से नहीं राहत। यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष बनी सोनम, अखिलेश को दिया श्राप, कहा सत्ता में नहीं आएंगे कभी। यूपी में चुनाव से पहले 15 लाख ग्रामीणों को घरौनी वितरण की तैयारी, प्रधानमंत्री खुद देंगे स्वामित्व प्रमाण पत्र। फर्जीवाड़ा
फतेहपुर में तेल की पिराई करते हुए हादसा हुआ, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती व्यक्ति। झांसी में अमित शाह के बयान पर मांग, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की मांग आई सामने। कानपुर देहात में स्कूलों के रूपरेखा को बदलने की कवायद, जिला प्रशासन ने शुरू किया काम, डीएम ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। संभल में कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन, मेले का हुआ शुभारंभ। सोनभद्र में एथलेटिक्स कंपटीशन का हुआ आयोजन, कई इवेंट किए गए आयोजित। सोनभद्र में एनटीपीसी के रिहंद स्टेशन में बैठक, मुख्य महाप्रबंधक रिहंद ने दी जानकारी। मैनपुरी में पूर्व मंत्री किरणमयी नंदा का बड़ा बयान, शिवपाल यादव सपा के विधायक हैं। मिर्जापुर में मकान में घुसी तेज रफ्तार ट्रक, घर में सो रहे दो लोगों की दबकर मौत। रायबरेली में कमीशन की भेंट चढ़ी अमृत योजना, खुली भ्रष्टाचार की पोल। रायबरेली में सूदखोरों का आतंक जारी, महिला ने की आत्महत्या की कोशिश। सहारनपुर में मूक बधिर किशोरी को बनाया गया बंधक, बंधक बनाकर किशोरी के साथ अश्लीलता। औरैया में विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों का प्रदर्शन, हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मी। बांदा में नहीं थम रहे अपराध, युवक पर धारदार हथियार से हमला। चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद, लाखों की हुई चोरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फरुखाबाद में बाइक सवार छात्रा की हुई मौत, जंगली सुअर की टक्कर से हुई छात्रा की मौत। फतेहपुर में महिला संवाद कार्यक्रम में पहुंची प्रियंका, हेमलता पटेल से मिली प्रियंका गांधी। फतेहपुर में शिक्षक की शर्मनाक हरकत, शराब पीकर स्कूल पहुंचा शिक्षक। हरदोई में दबंगों की दबंगई आई सामने, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। लखनऊ में खेल दिवस का आयोजन, बच्चों में दिखा उत्साह। सहारनपुर में डबल मर्डर से फैली सनसनी, दो सगे भाइयों की हुई हत्या। संभल में धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या, बेटी को बंधक बनाकर हत्या को दिया अंजाम।
लखनऊ में निरहुआ कल अखिलेश पर तीखा हमला, वीडियो ट्वीट कर कसा तंज। अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का स्वागत, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश का हुआ भव्य स्वागत, कार्यकर्ताओं ने जोरदार अंदाज में किया स्वागत। ललितपुर एनएनबी कॉलेज के पास आमने सामने भिड़ी दो बसें, बसों की टक्कर में कई सवारियां घायल, नेशनल हाईवे 44 के पास का पूरा मामला। फरुखाबाद में एसपी अशोक कुमार मीणा ने की बड़ी कार्रवाई, एसपी ने पुलिस विभाग में तैनाती और फेरबदल किया। कलियर में वसीम रिजवी के बयान पर बवाल, मुस्लिम समाज ने किया पुतला दहन। नरेंद्र नगर में जन जागरूकता अभियान की शुरुआत, एक दिवसीय शिविर का हुआ आयोजन। रुड़की में कांग्रेस की पदयात्रा, पूर्व सीएम हरीश रावत भी रहे मौजूद। सितारगंज में आम आदमी पार्टी की यात्रा, किसान संकल्प यात्रा का हुआ स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इगास पर बलूनी के बयान पर कसा तंज। मदन कौशिक ने छात्र संघ चुनाव के मामले में कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा बिना मुद्दे की राजनीति कर रही कांग्रेस। केंद्र बनाम राज्य हो गया अनुदान का मामला, हाईकोर्ट ने कहा दो माह में सुलझाएंगे मसला। देव दीपावली पर कल 51,000 दीयों से रोशन होगा हल्द्वानी का मिनी स्टेडियम। तेंदुए का शिकार हुई मासूम का अंतिम संस्कार ना करने की धमकी, वन विभाग के अफसरों के फूले हाथ पांव। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा विश्व को चिपको आंदोलन से लेनी होगी प्रेरणा। उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र में सड़कों समेत अन्य विकास कार्यों को धनराशि मंजूर। उत्तराखंड स्टेट रोलर स्केटिंग टीम के लिए ट्रायल 125 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान, कर्नल कोठियाल गंगोत्री विधानसभा सीट से ठोकेंगे ताल। देहरादून में पैसिफिक ग्रुप के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे, आईजी ने जब्त किए रिकॉर्ड। हरीश रावत ने ली चुटकी, कहा कभी दिल्ली कभी सिंगापुर, सतपाल महाराज से तो नहीं मिले सिसोदिया। साइबर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भारत और न्यूजीलैंड राजी, साइबर क्राइम से लेकर सुरक्षा तक मिलकर करेंगे काम। वयस्कों को भी लगे बूस्टर डोज, मॉडर्ना ने अपने वैक्सीन के लिए दायर किया ईयूए।
यूरोप में बढ़ रहे कोरोना से मौत के मामले, डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता। सूडान में तख्तापलट विरोधी प्रदर्शन से 10 लोगों की गोली मारकर हत्या, दर्जनों हुए घायल। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के दबाव में पाक संसद ने दी कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत, अपील करने का दिया अधिकार। मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन की संपत्ति का पता लगाने के लिए पाकिस्तान में आयोग गठित। सुरक्षा परिषद में पाक को लगी फटकार, भारत ने कहा गुलाम कश्मीर से अवैध कब्जा हटाए इमरान सरकार। अमेरिका में बोले राम माधव पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द है पाकिस्तान, सभी आतंकी हमलों के निशान वहां है मौजूद। गंभीर वित्तीय संकट में अफगानिस्तान, अमेरिका से फंड रिलीज करने का आग्रह। ब्रिटिश पीएम बोरिस के पिता स्टेनली पर 2 महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप, इनमें से 1 महिला है सांसद। आरबीआई ने श्री कन्याका नगरी सहकारी बैंक पर लगाया जुर्माना। आर्थिक मोर्चे पर आई खुशखबरी, यूबीएस ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 9.5% किया। सात हजार 287 गांवों को टेलीकॉम सुविधा से जोड़ने का फैसला, यूएसओएफ योजना को मिली मंजूरी। हरियाणा रेरा के अध्यक्ष बोले रेरा की सक्रियता से बढ़ी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की गति। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय, वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी के 10% की दर से बढ़ने की संभावना, विवेक देबरॉय ने दिया बड़ा बयान। 6000 केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी के साथ मिलेगा 4 साल का मोटा एरियल। वेदांता समूह करने जा रहा है बड़ा फेरबदल, इसके तहत एल्युमिनियम, लोहा, स्टील और तेल और गैस कारोबार करेगा पूरी तरह से अलग। इंडिगो में सफर करना होगा महंगा, चेक इन बैगेज के लिए चार्ज वसूलने की तैयारी में एयरलाइन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए सेल ने की रिकॉर्ड, 48,200 टन स्टील की आपूर्ति, 341 किलोमीटर का सफर हुआ आसान। आरबीआई अगले साल जारी करेगा खुद की डिजिटल करेंसी, जिसे वर्चुअल करेंसी या वर्चुअल मनी के नाम से पुकारा जाएगा। युजवेंद्र चहल की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, रोहित शर्मा को बताया था बड़ा भाई। रोहित के कप्तान बनते ही टीम इंडिया ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। टीम इंडिया को अगले साल खेलने हैं 2 वर्ल्ड कप, दोनों में भारत और पाकिस्तान की हो सकती है भिड़ंत।
न्यूजीलैंड को पहले टी20 में हराया और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, महिला विश्व बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। जीत के साथ शुरू हुआ रोहित राहुल युग रोमांचक मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। सूर्य कुमार यादव ने खेली 62 रनों की पारी। रोहित शर्मा ने जयपुर टी20 जीतने के बाद कहा, हर बार पावर हिटिंग काम नहीं आती। वसीम अकरम ने बताया क्यों नहीं मिला टी20 WC में बाबर आजम को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड। कुंबले की जगह ICC की क्रिकेट समिट की चेयरमैन बने सौरव गांगुली। कपिल देव ने पेश किया कोहली शास्त्री का रिपोर्ट कार्ड, कोहली शास्त्री के काटे 10%। वीरदास के बयान पर भड़की कंगना रनौत, एक्टर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। मालदीव से वापस लौटे अभिषेक ऐश्वर्या, एयरपोर्ट पर फिर अपनी वॉक को लेकर आराध्या हुई ट्रोल। कुंडली भाग्य की प्रीता श्रद्धा आर्या बनी दुल्हन, शादी की तस्वीरों में दूल्हे संग शरारत करती आई नजर। फिल्म जय भीम को लेकर सुर्खियों में आए सूर्या, हमले की धमकी के बाद एक्टर के घर के बाहर बढ़ी पुलिस सुरक्षा। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म बुल 2023 में होगी रिलीज, 7 अप्रैल 2023 को थिएटर में आएगी ये फिल्म। सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट, सपना पर एक शो को कैंसिल करने और आने वाले दर्शकों के पैसे न लौटाने का है आरोप। पॉपुलर सॉन्ग सेन्यूरिटा गाने वाले कपल शॉन मेंडिस और कैमल कैम्बोलो का हुआ ब्रेकअप, 2 साल से रिलेशनशिप में थे दोनों। शादी के 5 साल बाद 46 साल की प्रीति जिंटा के घर गूंजी किलकारी, सरोगेसी से जन्मे बेटा बेटी का नाम भी बताया। आने वाले दिनों में घर का माहौल काफी रहेगा हंगामेदार, नेहा वसीम ने गुस्से में खोया अपना आपा, निशांत पर चिल्लाई तो प्रतीक को दिया धमकी। धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर सलमान खान की तारीफ की, लिखा आप बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और स्मार्ट एक्टर हैं। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।